रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सोमवार को एक और मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम या फिर कह लें कि अग्नि पी मिसाइल अग्नि क्लास के ही न्यू जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच है। ये बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर बम को ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है और सोमवार को उड़ीसा के बालासोर में मौजूद डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के पास से इसका परीक्षण किया गया। ये परीक्षण 28 जून को सुबह करीब 11 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक पूर्वी तट के पास कई टेलीमेट्री और रडार स्टेशन लगाए गए थे जिन्होंने अग्नि पी के परीक्षण पर नजर रखी थी। परीक्षण में पाया गया कि उच्च स्तर की सटीकता के साथ इसने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। आपको बता दें कि अग्नि वन सिंगल स्टेज मिसाइल थी, वहीं अग्नि प्राइम की दो स्टेज होती है। अग्नि प्राइम का वजन इसके पिछले वर्जन से हल्का भी है। 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 से इसका वजन हल्का है। आपको बता दें कि अग्नि वन का 1989 में परीक्षण किया गया था और फिर 2004 में इसे सेना में शामिल किया गया। उसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर के बीच थी। लेकिन आज इस परीक्षण के मौके पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिकों का दल मौजूद था। सूत्रों की माने तो आने वाले चंद दिनों में भारत और कई ताकतवर मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। भारत मिसाइल के क्षेत्र में अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर अन्य साजो सामान के लिए वो किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारतीय वैज्ञानिक स्वदेशी ज्ञान कौशल से निर्मित मिसाइलों का निर्माण, उनके कल पुर्जों का निर्माण, उनके टेक्नोलॉजी का निर्माण खुद करने लगे हैं। आज के परीक्षण से भारत को मिसाइल क्षेत्र में मानो महारत हासिल हुई है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इस परीक्षण को देखते हुए विश्व के कई देश नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन भारत अपनी ताकत अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से आज विश्व के मानचित्र पर एक नया चेहरा उजागर कर चुका है। मिसाइलों का परीक्षण कर भारत इस क्षेत्र में आज पूरे विश्व में मानो मील का पत्थर साबित कर चुका है। अधिकांश मिसाइलें भारत में स्वदेशी ज्ञान और कौशल से बनी है। मेक इन इंडिया के तहत आज भारतीय वैज्ञानिक विदेश पर निर्भरता न करके अपने खुद के परिश्रम से अपने देश में अपने मिसाइलें बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।